स्टूडेंट्स की लाइफ आसान नहीं होती। स्कूलों की पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उस पर और प्रेशर डालती हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाकर अच्छा स्कोर किया जाए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहे और अच्छे मार्क्स लाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करे। स्टडीज टुडे लाया है 6 लर्निंग टिप्स जिनको फॉलो करके सभी स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, नोइंग योर लर्निंग स्टाइल। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ाई को समझ पाते हैं, जैसे कुछ बच्चे देखकर जल्दी समझते हैं और कुछ बच्चे सुनकर। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टॉपिक के पीछे के लॉजिक को खोजते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रुप स्टडीज में अच्छे से समझते हैं और कुछ बच्चे अकेले पढ़ाई करना पसंद करते हैं। आपको पहले यह समझना होगा कि आप कैसे पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 2, बी अ फोकस्ड लर्नर। पढ़ते समय डिस्टर्ब करने वाली चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। पढ़ाई के बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक और बातचीत वाले माहौल को ना आने दें। ये डिस्ट्रक्शन आपका ध्यान पढ़ाई से हटा सकती है। नंबर 3, रिड्यूस द स्पैन ऑफ स्पेसिंग आउट। स्पेसिंग आउट का मतलब होता है दो टॉपिक पढ़ने के बीच में लिया जाने वाला गैप। इस गैप को जितना हो सके कम से कम करें, जिससे आपको रिविजन करने में बहुत मदद मिलेगी। नंबर 4, बी योर ओन गाइड। सिर्फ पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं है, हमें सारे टॉपिक्स और उनके कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। इसके लिए आप सभी उस टॉपिक को बार बार पढ़ें और खुद को समझाएं, या फिर दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस करें, जिससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। नंबर 5, बी डिसिप्लिन एंड डिटरमाइंड। आजकल के बच्चे जल्दीबाजी में फैसला लेकर एक रूटीन को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन उनके डिटरमिनेशन में कमी होने की वजह से वह रूटीन फॉलो नहीं कर पाते और उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो जितना हो सके उतना पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन बना के रखें। एक प्रॉपर स्लीप एवरी डे। कड़ी मेहनत से लगातार पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसके लिए कम से कम 6 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। इससे आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ये थे कुछ टिप्स जो स्टूडेंट्स फॉलो करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पढ़ाई के लिए फ्री स्टडी मटेरियल्स चाहिए, जैसे कि NCERT सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।